Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and today we'll discuss traversal of a single linked list. इसका ठीक है ना, हम इसका function देखेंगे. इससे पिछले वीडियो में guys हमने creation कैसे हम create करते हैं single list को वो हमने देखा था पूरा code के through अच्छे से एक-एक line explain मैंने करी है detail में. अगर आपने वो नहीं देखा है पहले वीडियो तो I'll recommend आप वो देख लीजिए. I'll give the link in the description box ठीक है. और हमारे description box में मैं बहुत सारे link दे दूँगा. जैसे हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं ठीक है ना, काफी सारी वीडियोस हैं गाइस कंप्यूटर ग्राफिक्स के, सी ट्रिकी प्रोग्राम्स वगैरह काफी सारी चीजें हैं, पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट है. सो डू वॉच देम गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई का चैनल ठीक है. तो नाउ देखते हैं ट्रेवर्सल ऑफ सिंगल लिंक्ड लिस्ट. तो इसका हम फंक्शन देखते हैं. सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है ठीक है. हमने क्रिएट फंक्शन कॉल किया और हमने एक अपनी लिंक लिस्ट बना ली ठीक है. सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट में हमने चार नोड्स बनाई हैं ठीक है. सबसे लास्ट वाली नोड में नल होता है, नल को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है ना. फॉर डायग्राम में यहाँ पे सपोज मैंने वैल्यू स्टोर कर लिया 1 2 3 4 और सपोज इनका एड्रेस है 100 200 500 एंड कुछ भी ले सकते हैं ठीक है ना. रैंडम एड्रेस होता है, कोई भी कॉन्टिन्यूएशन में एड्रेस हमें कभी नहीं मिलता है. तो इट इज अ सिंगल लिंक लिस्ट. तो यहाँ पे हम पॉइंट कराएंगे कि हाँ ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ठीक है ना. ये जो हमारा पॉइंट मतलब ये वाला जो हमारा पॉइंटर है दिस इज पॉइंटिंग टू दिस, तो मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है. मतलब 550 इसका एड्रेस इसका कंटेन करेगा और ये इसका एड्रेस कंटेन करेगा 500. क्यों? क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा है मतलब इसका एड्रेस होल्ड करेगा. तो 500 यहाँ आ गया और 200 इसका एड्रेस है तो 200 हमारा यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ना. तो सपोज ये मेरी एक सिंगली लिंक लिस्ट है. अब मैं इसको ट्रेवर्स कैसे करूंगा? और हमारा इनिशियली क्या होता है, हेड हमेशा पहली नोड को पॉइंट करता ही करता है ठीक है ना. ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था. तो ये हमारा हो गया. नाउ अब हम इसको कैसे मतलब ट्रेवर्स करेंगे? हमें ट्रेवर्स करने के लिए भी एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एलिमेंट बनाना पड़ेगा. क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमको तो क्योंकि रैंडम एड्रेसेस हैं ठीक है. एरे में क्या होता है, हमको पता है कि फिक्स्ड कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है और इंडेक्सेस के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं कि A of 5 को आप प्रिंट करा दो है ना. इसमें कोई ऐसा कुछ कंसेप्ट होगा नहीं, तो हमको स्टार्टिंग से ही हमेशा ट्रेवर्स करना पड़ेगा. हम इसे कभी भी बीच में से ट्रेवर्स नहीं कर सकते. तो उसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंटर लगाऊंगा. सो अब हम देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा ठीक है. हम एक पॉइंटर हेड इस पे फर्स्ट नोड पे लगाएंगे और एक एक करके हम उसको ट्रेवर्स करते जाएंगे. कब तक हम चलाएंगे लूप? जब तक हमारा नोड की नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारा ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट है ना नोड का नेक्स्ट, जब तक ये हमारा नल नहीं हो जाता है ओके. सो नाउ लेट्स से हमारा जो फंक्शन का नेम है, मैं वॉइड डिस्प्ले नाम से बना लेता हूँ. किसी भी नाम से आप बना सकते हो ठीक है. वॉइड डिस्प्ले मैंने ले लिया. हमारा स्ट्रक्चर था ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रक्ट टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी लेट्स से अपना, और उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ हेड से ठीक है. इनिशियलाइजेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहीं पे मैंने हेड इसको असाइन कर दिया, या तो हम इन स्ट्रक्ट नोड स्टार पी लिख करके नेक्स्ट लाइन में इसको पी इक्वल टू हेड असाइन कर देते हैं, एक ही बात है ठीक है. तो हमने यहाँ पे ये कर दिया. अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हो सकता है कि एक भी नोड ना हो हमारे पास. तो इफ हेड इज इक्वल टू नल ठीक है. सबसे पहली कंडीशन हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा हेड नल तो नहीं है. अगर हमारा हेड नल होगा तो हम सिंपली एक प्रिंट दे दे रहे हैं मैसेज, पुट एस एमटी लिस्ट या फिर हम प्रिंट एफ कभी यूज कर सकते हैं ठीक है. हमने एक मैसेज दे दिया. और अगर हमारा नल हुआ तो हम कुछ ट्रेवर्स कर ही पाएंगे. तो विल सिंपली से रिटर्न हेयर ओके. रिटर्न अगर हम यूज करते हैं वॉइड में, सिंपली अगर रिटर्न लिखते हैं तो क्या होता है, सिंपल हमारा जो फंक्शन एंड जहां पे होगा, सपोज यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इस फंक्शन से बाहर हमारा कंट्रोल आ जाता है ठीक है. इसके आगे हमारे फंक्शन में कोई कितनी वैल्यूज है कुछ भी हो चलता नहीं है. तो हम सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि अगर हेड हमारा नल है तो सिंपली हम यूजर को एम्प्टी दिखा देंगे. हो सकता है कि उसमें एक नोड हो या उससे ज्यादा नोड हो, तो हम सब उसको देखते हैं कैसे डिस्प्ले करेंगे ओके. सो विल रन अ व्हाइल लूप हियर, विल से व्हाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल ओके. अब देखते हैं हम क्या करेंगे. पी इज नॉट इक्वल टू नल, इनिशियली हमने पी को हेड पे पॉइंट करा दिया है ठीक है ना. अगर नल भी होता है तो पी में नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी और सिंपली एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो जाएगा. अब हमारा पी को मैंने हेड पॉइंट करा दिया, मतलब मैंने पी को यहाँ पे अपने पॉइंट करा दिया फर्स्ट नोड पे. अब मैं इसको एक एक करके ट्रेवर्स करूंगा. व्हाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पी इज इक्वल टू नेक्स्ट, हम बाद में करेंगे, पहले हमें वैल्यूज भी प्रिंट करनी है ना. तो विल से सिंपली प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और इफ यू वांट टू गिव सम मैसेज यू कैन गिव हियर. और हम अपना सिंपली यहां पे क्या लिख देंगे, पी का डेटा पार्ट ठीक है. यहां पे हमने इसका डेटा प्रिंट कर दिया. और फिर डेटा प्रिंट करने के बाद हमारा क्या होगा, हम पी को जो हमारा पॉइंटर है उसको एक एक आगे बढ़ाएंगे. सो पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट, हमारा लूप बंद. अब इसका मतलब क्या हुआ लाइन का ठीक है. हमने सबसे पहले क्या हुआ, हमने जो हेड को पॉइंट कराया था हमने इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी कि अगर नल नहीं है तो वैल्यू प्रिंट करी, फिर पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट किया. तो इससे क्या हो रहा है, सपोज पी मेरा यहाँ पे था तो पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट, मतलब p
पी यहाँ पे था तो पी का नेक्स्ट क्या हुआ फिलहाल 200, तो पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट मतलब पी में 200 मैंने स्टोर कर दिया, तो पी विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस, ये हमारी सेकंड वाली नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा। सिमिलरली आपका वाइल लूप है, फिर से चेक करेंगे कि पी इज नॉट इक्वल टू नल, हमारा अभी पी नल नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि पी के अंदर एक वैलिड एड्रेस है 200, तो हमारा फिर से वही चलेगा, हम प्रिंट कर रहे हैं पी का डेटा, वी आर प्रिंटिंग हेयर, ओके, वी आर प्रिंटिंग हेयर दी डेटा ऑफ पी, पी का डेटा हमने प्रिंट किया, फिर हमने फिर से कहा पी का नेक्स्ट, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट, तो हमारा यहाँ से अब पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो पी विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड 500, फिर से हमारा डेटा प्रिंट होगा, इसका 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद पी इक्वल टू पी कनेक्ट, फिर हमारा पी यहाँ पे आ जाएगा, ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए, ठीक है, फिर से पी यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा, हमने देखा अभी फिलहाल नल नहीं हुआ है, तो प्रिंट एफ इसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, पी का डेटा 4 प्रिंट हो जाएगा, नाउ पी इक्वल टू पी कनेक्ट, मतलब पी ये है और इस नोड का पी का नेक्स्ट क्या है एम टी, मतलब यहाँ पे नल है, अब हमारा पी क्या असाइन हो गया है, पी की वैल्यू हमारी फिलहाल यहाँ पे हो चुकी है नल, ठीक है, अब ये चेक करेगा वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो अब यहाँ पे कुछ प्रिंट होगा ही नहीं, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमने चारों वैल्यूज नोड की प्रिंट कर दी जो हमको डेटा प्रिंट करना था, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, हम हमारा क्या बोलते हैं ट्रेवर्सल, ठीक है, बस हमारा सिंपली ये हुआ, यहाँ पे हमने अपना फंक्शन बंद कर दिया, तो हमारा ये डिस्प्ले फंक्शन हो गया, ओके गाइस, ये था हमारा सिंपली ट्रेवर्सल की हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं। अगर आपको इसमें ये पी का नेक्स्ट क्या है और ये पी के डेटा वेरिएबल क्या है, पी आर ओ डेटा क्यों लिख रहा है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन रेफर टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, मैं लिंक लिस्ट का भी पूरा प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, यू कैन सी दैट, उसमें हमने कैसे स्ट्रक्चर बनाया, सी स्ट्रक्चर इन सी करके एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि हम इसको एरो ऑपरेटर से क्यू लगा के यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है और जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली समझ में आ ही रहा होगा, आई होप सो, ठीक है, सो ये हमारा ट्रेवर्सल था। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इंसर्शन देखेंगे, इंसर्शन एंड बिगनिंग कैसे करते हैं, और उसके अगर हमको एक लिंक लिस्ट दे रखी है और एंड में कैसे इंसर्शन उसके किया जाए, ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, टिल द टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।